अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 4.13, यूनिट नंबर 4, डेसिमल एंड परसेंटेज। ये एक्सरसाइज जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम रिगार्डिंग डेसिमल्स। परसेंटेज अभी हमने स्टार्ट नहीं की। इंशाल्लाह जो इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी या नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो परसेंटेज के ऊपर होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम्स में दो चीज़ें होती हैं, दो पार्ट्स कह लें होते हैं किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के। एक पार्ट होता है स्टेटमेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है क्वेश्चन पार्ट। स्टेटमेंट पार्ट बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, जो उस वर्ड प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दी गई होती है वो हमें दे रहा होता है। और जो सेकंड पार्ट होता है क्वेश्चन पार्ट, वो हमें क्वेश्चन दे रहा होता है कि जी इसका आपने आंसर मालूम करना है। तो अगर हम फर्स्ट इसका क्वेश्चन को ही देख लें तो यहाँ पे है, सायर बाउट टू चिकन्स ऑफ वेट 1.450 kg। ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। एंड अदर इज 1.685 kg, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ तक जो है ना, रिस्पेक्टिवली तक, ये जो पूरी लाइन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक बेसिकली इट गिव अस द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ से जो है फाइंड द टोटल वेट ऑफ द बोथ चिकन, ये आपको क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने स्टेटमेंट पार्ट को सही नहीं समझा, उसको सही कॉम्प्रिहेंड नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका क्वेश्चन, चलिए भले आप क्वेश्चन समझ आए लेकिन स्टेटमेंट पार्ट को नहीं समझा आपने, से इंफॉर्मेशन वहाँ से नहीं गैदर की, तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए जितना आपने फोकस रखना है कि क्वेश्चन क्या किया गया है, उतना ही आपने फोकस रखना है कि स्टेटमेंट में हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वन में है, बताया गया है कि दो चिकन सायर ने ली हैं, एक का वजन है 1.450 kg और दूसरे का है 1.685 kg। तो टोटल वेट बताना है दोनों चिकन का, तो टोटल का हम क्या करेंगे, दोनों को हमें प्लस करना होगा जी। तो अब हम करते हैं, जैसे एक था 1.450 kg चिकन का वेट था और दूसरे का 1.685, तो आपने सिंपली इनको प्लस करना है, ठीक है जी। जीरो में फाइव ऐड करेंगे तो फाइव ही आएगा, एट में फाइव ऐड करूँगी तो 13 आएगा, थ्री यहाँ पे होगा, वन ऊपर चला जाएगा, सिक्स और फोर 10, 10 में वन ऐड करेंगे 11, वन यहाँ वन ऊपर, डेसिमल नीचे दे देंगे, और ये तीन बार वन है तो ये थ्री हो जाएगा। तो दोनों चिकन का जो वेट है वो है 3.135 kg, ठीक है जी, 3.135 kg। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। कह रहे हैं कि एक जनरल स्टोर है, उसने आटा बेचा है 200.750, ठीक है जी, और दूसरे और 98.500 kg ऑफ शुगर। तो आपने बताना है, आपको यहीं से ही नंबर से अंदाज़ा हो रहा है कि इसने आटा ज़्यादा बेचा है एज़ कम्पेयर टू शुगर। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच मोर फ्लोर वाज सोल्ड देन शुगर। तो आटा बेचा तो ज़्यादा है लेकिन कितना ज़्यादा बेचा है, तो वो हमें मालूम करना है। तो उसको करने का तरीका क्या होगा कि जो आटे आटे की जो वैल्यू है उसमें से हम चीनी की वैल्यू मालूम माइनस करेंगे। जैसे 200.750 है तो उसमें से हम 98.500 हमें माइनस करना है, ठीक है जी। जीरो में से जीरो गया, जीरो बचेगा, फाइव में से जीरो गया, फाइव बचेगा, सेवन में से फाइव गया, टू बचेगा, डेसिमल का डेसिमल, जीरो में से एट नहीं जाएगा तो ये इससे मतलब ये इससे इसने लिया, फिर ये नाइन टेन बिकम नाइन, अब ये टेन टेन में से एट गया तो टू बचेगा, नाइन में से नाइन गया जीरो, और वन यहाँ पे आपका वन बचेगा तो ये वन, ठीक है जी। तो ये हो गया 102.250 102.250 kg जो है,
वो बेसिकली ज्यादा आटा इसने बेचा है शुगर से। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सायरा बाउट अ नेकलेस ऑफ गोल्ड मास 2.565 ग्राम, मतलब उसने नेकलेस खरीदा है सोने का, उसका वजन इतना है। एंड बेंगल्स ऑफ मास 8.875 ग्राम, और जो उसने कंगन दिए उसकी रकम उसका मास इतना है। तो दोनों का टोटल आइटम्स का हमें टोटल मास बताना है, मतलब दोनों आइटम्स का टोटल मास बताना है। तो आप क्या करोगे, 2.565 को प्लस करोगे 8.875 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11.440। ये मैं नहीं करवा रही क्योंकि प्लस का एक मैं करवा चुकी हूँ, तो आप ये काइंडली देख लीजिएगा। दूसरा आते हैं, कह रहे हैं कि आफ्ताब सेव 3206.75 फ्रॉम मंथली सैलरी, मतलब 3206.75 इसने बचाए हैं जो उसकी मंथली सैलरी। अब मंथली सैलरी कितनी है, इतनी है 35,200। तो आपने मालूम करना है कि मंथली इसका एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब मंथली खर्चा कितना है। तो जाहिर सी बात है 35,200 में से अगर हम ये माइनस कर लें 3,206.75, जो बाकी जितने पैसे होंगे तो जाहिर उसने उसके महीने के खर्चे में ख़त्म हुए होंगे ना। ठीक है, तो आपने सिंपली इसमें से ये वाला माइनस करना है पार्ट, तो आपका आंसर आएगा 3,199,3.25। ये इसका मंथली एक्सपेंडिचर है जो उसने खर्चा किया है। ये मैं नहीं करवा रही क्योंकि ये भी माइनस है, ये आप कर लीजिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, के नूर कम्युनिकेशन अर्न 2,345.75 इन अ डे बाय सेलिंग इजी लोडिंग बैलेंस। ठीक है, अब वो उसका काम क्या था, इजी लोड का था, और इन अ डे मतलब दिन में ये 2,345.75 रुपीज़ वो कमा रहा है। तो हाउ मच अमाउंट ही विल अर्न इन 1 मंथ, तो 1 मंथ में कितना ये अर्न करेगा या ये करता है या करेगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, जो ये एक दिन में कमाता है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 30 दिन के साथ, क्योंकि एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं, उसको 30 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। पहले 0 सबके साथ होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 0 आ जाएंगे क्योंकि ऊपर 6 डिजिट्स हैं। अब आ जाते हैं 3 5 15, 1 ऊपर चला जाएगा। 7 3 21, 21 में 1 ऐड करेंगे 22। 5 3 15, 15 16 17, 7 1 ऊपर चला गया। 4 3 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, 1 ऊपर। 3 3 9, 1 10, 3 2 6, 1 7। तो इन सबको आपने आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो ये आ जाएगा आपका 0 5 2 7 3 0 7। अब डेसिमल की बारी आ रही है, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद हम देंगे। इसको मैं सही कर लूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो डेसिमल आएगा यहाँ पे, तो आपका आंसर आया 70372.50। इतना पैसा वो मतलब एक महीने में कमाएगा। अब आ रहे हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ बंडल कंटेन 119.5 मीटर ऑफ वायर, इफ वन पीस ऑफ वायर मेजरिंग 29.92 मीटर शॉर्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ वायर। मतलब टोटल मीटर इतना है, उसमें से इतना उसने बेचा है, तो बताएं बाकी रिमेनिंग मतलब बाकी कितना बचेगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, इस अमाउंट में से ये अमाउंट आपने माइनस करनी है, मतलब बड़े में से छोटी अमाउंट माइनस करनी है, बाकी जितना बचेगा वो आपका आंसर होगा, वो आपकी रिमेनिंग लेंथ होगी, लेंथ पीस ऑफ वायर की। ठीक है, तो आपने इसमें सिंपल माइनस करना है, तो इसका आंसर आएगा 89.58। ठीक है जी, अब आ रहे हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द हाइट ऑफ पोल इज 18.75 मीटर, एक पोल की हाइट इतनी है। वी हैव लेडर ऑफ 1/4 ऑफ पोल,
जो हमारे पास सीढ़ी है वो है 1/3 ऑफ पोल, मतलब पोल का जो जो उसका मेजरिंग है उसका 1/3 जितना हमारे पास मौजूद है सीढ़ी। तो बताएं कितनी अब और सीढ़ी हमें चाहिए, कितनी और सीढ़ी लेफ्ट आउट, हाउ मच लेंथ इज लेफ्ट आउट, कितनी और मेजरिंग हम मतलब रह गई है और जिसके लिए हमें और सीढ़ी चाहिए। तो आप हमें पहले हमें ये मालूम करना होगा कि 1/3 ऑफ पोल है कितना, तो ये हम पहले मालूम करेंगे। ठीक है, अब इसका जैसे 1/3 ऑफ पोल हम मालूम करेंगे, तो 1/3 ऑफ पोल, पोल मतलब पोल का जो था वो क्या था, 18.75। तो 1 ऑफ की जगह हम मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी 18.75। ठीक है जी, तो ये आपका हो जाएगा 18.75 डिवाइडेड बाय 3। तो आपने अभी इसको क्या करना है, इसको आपने डिवाइड करना है, यहाँ पे हम कर लेते हैं या नीचे आ जाते हैं, 18.75 को मैं 3 के साथ डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हम अगर लगाएं टेबल लगाएं, 6 3 18 0, अब ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 7 नीचे आएगा, 3 2 6, 7 में 6 या 1 बचेगा, अगेन हम 5 नीचे उतारेंगे, 3 5 15, ये 5 ऊपर आएगा। तो जो अच्छा 1/3 ऑफ पोल हमने मालूम किया वो क्या आया, 6.25। अब हमारा सवाल ये था, हमारा सवाल ये पूछा गया कि कितना और लेंथ जो है बच गई है जिसके लिए हमें लीडर चाहिए। तो आप क्या करोगे, 18.75 में से 6.25 जो सीढ़ी का जो लेंथ है वो आपने माइनस करना है, बाकी जो आंसर आएगा वो आपकी वो रिमेनिंग लेंथ होगी जिसके लिए आपको सीढ़ी चाहिए, तो वो होगी 12.50। मैंने कर लिया है क्योंकि माइनस था इसलिए मैंने कर लिया, ये आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो 12.50 लेंथ है जो हमें और चाहिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 8 की तरफ सॉरी। तो अ यूनिफॉर्म इज स्कूल यूनिफॉर्म इज मेड फ्रॉम 4.5 मीटर क्लॉथ, एक इतने मीटर क्लॉथ में से बन रही है। तो टोटल इन्होंने कपड़ा दिया 31.5 मीटर क्लॉथ, तो आपने बताने कितनी ड्रेसेस उसमें से बन सकती हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है, इसके करने का तरीका अब हम करते हैं। तो आपने 31.5 को आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 31.5 को डिवाइड करना है 4.5 के साथ। ठीक है, मतलब 31.5 यहाँ पे मैं कर लू, 31.5 को आपने डिवाइड करना है 4.5 के साथ। मैं एक्सरसाइज में दो तरीकों से आपको डिवाइड करना सिखा रही हूँ। ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका दूसरा है। सबसे पहले इनका डेसिमल हमें ख़त्म करना है, तो अच्छा रखने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना 4.5 डिवाइडेड बाय 31.5 तो आपका आंसर गलत आएगा। आपने रखने का तरीका सीख लेना है कि किस तरीके से रखना है। ठीक है, तो 31.5 को हमें डिवाइड करना है 4.5 के, ना कि 4.5 को डिवाइड करना है 31.5 से। ठीक, उसके बाद अब मैं दोबारा लिख रही हूँ 31.5 डिवाइडेड बाय 4.5। अब डेसिमल के नीचे मैं 1 दूंगी, उसके बाद कितने डिजिट हैं, तो 0 1 यहाँ पे भी ऐसा, तो ये इक्वल हो जाएगा 31 315/10 डिवाइडेड बाय 45/10। ठीक है जी, अब हमारे पास डेसिमल खत्म हो गया, अब मैं इसको यहाँ रख रही हूँ 31 315 डिवाइडेड बाय 10। अब डिवीजन रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और डिनोमिनेटर नोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये हमने पहले भी किए हुए। ठीक है जी, तो ये 10 1 10 10 1 10 315 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है जी, 5 का टेबल लगा दें, 9 5 45 एंड 9 6 30, 1 यहाँ चला गया, 3 5 15। तो अब हमारे पास जो नंबर आया है वो आया है 63/9, 63/9। इसको और देखें, 3 की टेबल जा रहा है, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 7 21। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 7 ड्रेसेस आ गए। 7 ड्रेसेस हम बना सकते हैं जो टोटल कपड़ा था 31.5 में से।
अच्छा, अब आपने इसको ना ऐसे क्वेश्चंस को प्रूफ भी किया करें। अब हम आप क्या करें, अगर आपको पता है कि एक ड्रेस अगर 4.5 मीटर से बन रही है, तो आप क्या करें, 4.5 को डिवाइड करें 7 के साथ, आप देखें कि जो टोटल कपड़ा उन्होंने दिया था 31.5, वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब आप इसको करेंगे तो आपके पास 31.5 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक वेरिफिकेशन हो गई कि हाँ, 7 ड्रेसेस जो हमारा आंसर निकला है वो सही निकला है, ठीक है। मतलब इसमें 7 ड्रेसेस इस कपड़े में से बन सकती हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ लेडी यूज 3.660 kg ऑफ सॉल्ट इन प्रिपेयरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर हर फैमिली इन अ मंथ। एक महीने में वो 3.60 kg सॉल्ट यूज कर रही है डिफरेंट फूड आइटम्स में। अब आपने बताना है कि हाउ मच सॉल्ट इज यूज पर डे, एक दिन में वो कितना यूज कर रही है। तो आपने इसको भी क्या करना है, 3.60 को आपने डिवाइड करना है 30 के साथ, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा जी 0.12, 0.12, ठीक है। आप इसको भी इसी तरीके से कीजिएगा, 3.60 को आप डिवाइड करें 30 के साथ ना, तो 3.60 आपने लिखा, डेसिमल के नीचे 1, ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, या इसको इस तरीके से आप कर लो। एक और तरीका मैं आपको बता दूँ, ताकि एक जगह पे आप दो दो तीन तीन मेथड सीख लो जो आपको सही लगे। अच्छा, अब 30 की टेबल 3 पे तो नहीं जाएगी ना, तो हमें इन दोनों को कंबाइन करना है। बीच में डेसिमल है, तो डेसिमल खत्म करने के लिए हम यहाँ पे 0 पॉइंट दे देंगे। अब हमारे पास जो नंबर आ गया ना, वो आएगा 36। अब 30 की टेबल 36 पे 1 टाइम, ये हो गया 6 हमारा बचेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, अब 0 नीचे आएगा, तो 30 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे हम, तो 60 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.12, मतलब एक दिन में वो 0.12 kg जो सॉल्ट यूज कर रही है, ठीक। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ 2.5 kg घी इज 391.25, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg। तो आप मतलब 2.5 kg की प्राइस इतनी है, आपने बताना है कि 1 kg की प्राइस कितनी होगी। तो ये भी मैं करवा रही हूँ, इसको भी एक दूसरे तरीके से करवा रही हूँ, डिवीजन है लेकिन तरीका मैं दूसरा बता रही हूँ। अगर इस तरीके से दो हो तो आपने कैसे करने हैं, तो 2.5 kg को आपने डिवाइड करना है 391.25 के साथ, ठीक है। तो ठीक है, ये हम कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 391.25, इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 2.5 के साथ। अब हमने ना इसको होल बनाना है, इसको होल बनाने के है ना, इस डेसिमल को मैं यहाँ लेकर आऊंगी, जब मैं एक यहाँ से मूव कर रही हूँ तो यहाँ से भी मुझे एक मूव करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको भी मुझे यहाँ से एक मूव करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 391.25। अब मैं इसको डिवाइड करूंगी 25 के साथ, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ इसको 25 के साथ, तो इसका आएगा 25 की टेबल में पढ़ रही हूँ, 25 25, ठीक है। 39 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14। अब 25 टेबल 14 पे नहीं जाएगी, तो ये वाला 1 हम नीचे उतारेंगे, ये अब हो गया 141। अब अगर हम 25 की टेबल पढ़ें 5 टाइम, तो वो हमारी आ जाएगी 125। तो 141 से अगर हम 125 माइनस करें तो 16 हमारा बचेगा। अब ये 2 जो है मैं नीचे उतार रही हूँ, ठीक है जी। अब ये 2 मैं नीचे उतारूंगी, तो 25 की टेबल जब मैं पढ़ रही हूँ तो 6 टाइम आएगा 150, ठीक है। मैं ये ऊपर लिख लूँ, कितना 6 टाइम पढ़ा, ठीक है जी। तो 162 में से मैं 150 माइनस करें तो 12 बचेगा। अब ये डेसिमल में यहाँ पे लगाकर 5 नीचे उतारूंगी, 25 के टेबल में 5 टाइम पढ़ूंगी, तो 125 पूरा पूरा आ रहा है। तो इसका आंसर आया 156.25, ओ सॉरी 5, ये इसका आंसर आ गया 156.5 1 kg की प्राइस है।
तो ये भी एक तरीका है कि आप इस तरीके से डिवीजन कर सकते हो, डेसिमल को मूव करके जो ये वाला है आपका, इसको आप होल बना लो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगेन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द परसेंटेज उस पर होगी। तो तब तक कह लीजिए अल्लाह हाफिज़।